चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त खोए डीएचए अपडेट से। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये डीएचए अपडेट है और डीएचए एक तरह का शक्तिशाली ओमेगा 3 फैटी एसिड है और आपको बहुत कुछ तस्वीरों से ही दिख रहा है कि ये किसके लिए जरूरी है। डीएचए माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन के निर्माण के लिए जरूरी है। आगे बढ़ के हम इसके बारे में बातें करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ कीमती देना चाहता है, कुछ विरासत देना चाहता है, लेकिन ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इससे ज्यादा कीमती आप उसको क्या दे सकते हैं जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। नहीं तो हर धनवान व्यक्ति का बच्चा दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता, ऐसा नहीं होता है। एक ही पिता के दो पुत्र रहते हैं, पिता बहुत सफल थे, एक पुत्र बहुत सफल होता है लेकिन दूसरा जीवन में उतना सफल नहीं हो पाता। अगर पिता धनी थे तो दोनों बच्चों के लिए अच्छा ब्रेन खरीद सकते थे। दूसरी बात, इस भेंट को कोई कभी छीन नहीं सकता उस बच्चे से। अगर उसका ब्रेन तेज है, अगर उसका दिमाग तेज है, शार्प ब्रेन बच्चा है, तो इस चीज को जीवन में उससे कभी नहीं छीन सकता कोई। लेकिन एक बात जरूर है कि ये भेंट जीवन में एक ही बार दी जा सकती है, तो ये फैसला आपको बच्चे के जीवन की शुरुआत से पहले ही कर लेना पड़ेगा कि क्या आप उसको एक अच्छे ब्रेन का गिफ्ट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। देखिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, एक क्षण के लिए मैं रोकता हूं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार बच्चा हो जाने दो भाई, उसके बाद हम उसको जो देना होगा देंगे। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ऐसा करना ठीक है कि एक बार बच्चा हो जाए फिर उसकी मालिश करेंगे, फिर उसको हम पोषण देंगे, फिर हम उसको अच्छी से अच्छी चीजें देंगे, महंगी से महंगी चीजें देंगे। तो एक आंकड़ा जरा आप केवल सुन लीजिए, उसके बाद आप ही निर्णय लीजिए। यह आंकड़ा ये है कि जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है, जन्म के समय उस बच्चे का, बिल्कुल जो आज ही पैदा हुआ, मान लीजिए कल पैदा हुआ, उस बच्चे के ब्रेन का वजन एक एडल्ट व्यक्ति के ब्रेन के 70% के बराबर होता है। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर का पेपर तो इस बच्चे को मां के पेट में ही हल करना है और बचे हुए 30% में से 15% ब्रेन ग्रोथ प्री स्कूल, यानी जब बच्चा स्कूल पे भी नहीं पहुंचा है, उन वर्षों में होती है, पहले 2 साल जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है। और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं बार बार ये प्रेजेंटेशन रोक के आपको इस चीज का एहसास दिलाना चाहता हूं कि ये भावना कि बच्चा आराम से हो जाए भाई उसके बाद हम कुछ करेंगे, ये भावना इसलिए गलत है कि 70% पेपर आपका छूट जाएगा। यानी वो बच्चे का जो ब्रेन है, अगर उसको डीएचए देने से कोई लाभ होना था तो उसमें से 70% जो मौका था वो तो मां के पेट में ही है। इसलिए ये जो गुत्थी है इसको वहीं सुलझाना पड़ेगा कि जब बच्चा मां के पेट में है और वहां उसके ब्रेन का 70% निर्माण हो जा रहा है तो वहीं उसको डीएचए मिलना आवश्यक है, क्योंकि बाद में बचेंगे केवल 30% अंक का पेपर आपके हाथ में। दोबारा देखिए, ये देखिए साहब, ये रेफरेंसेस के साथ हम बता रहे हैं, ये केवल एक ही रेफरेंस मैं आपको यहाँ अंग्रेजी में भी दिखा रहा हूं। जन्म के समय नवजात बच्चे के ब्रेन का वजन एक वयस्क के ब्रेन के 70% के बराबर होता है और बची हुई ग्रोथ में 15% ब्रेन ग्रोथ प्री स्कूल वर्षों में होती है। यानी कि अगर 100 अंक हैं तो 70 अंक मां के पेट में मिलेंगे और 30 अंक जो हैं वो बाद में जन्म के बाद पहले 2 वर्षों में मिलेंगे। यानी कि एक तो बच्चे का वो समय बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है जब वो मां के पेट में है, उस समय उसका जो ब्रेन बन रहा है उसी समय उसका आपको ध्यान रखना है, और फिर पहले 2 वर्ष जीवन के जो होंगे
वो अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो ठीक है, ब्रेन तो मां के पेट में बनता है, लेकिन वो ब्रेन का प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो ब्रेन बनता किससे? अगर आपको ये स्लाइड साफ साफ दिख रही है तो आप यहां देखिए, जहां मैं एरो से दिखा रहा हूं, ये ब्रेन बच्चे का बन रहा है। अब ये ब्रेन में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, और ये मेम्ब्रेनस ही होता है ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन्स बनती हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के संयोजन से, और ओमेगा 3 में डीएचए ही ब्रेन के और नर्वस सिस्टम के निर्माण के लिए मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर मैं मोटे तौर पे समझाऊं कि ब्रेन बिना डीएचए के नहीं बनेगा, तो इस चीज को आप विश्वास क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि नीचे आप स्लाइड के नीचे देखेंगे तो हमने वो वैज्ञानिक स्रोत लिखा है जहां से हमने ये फैक्ट उठाया है, क्लिनिकल लिपिडोलॉजी नामक जर्नल में ये लेख 2012 में छपा है। वो लेख हमें ये बताता है कि माँ के गर्भ में पल रहे, यानी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसी समय उसका ब्रेन, पिछली स्लाइड में आपने सीखा, 70% बन जाएगा, उसका नर्वस सिस्टम भी लगभग 70% बन जाएगा, और इस ब्रेन के निर्माण के लिए मुख्यतः उस बच्चे को चाहिए डीएचए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेन में ओमेगा 3 होते हैं, ओमेगा 3 जब भी हमने आपसे बात करी है कि ओमेगा 3 हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ओमेगा 3 हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे शरीर के दो अंगों में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उनमें से एक ब्रेन है, दूसरी होती है आंखें, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ब्रेन में डीएचए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ओमेगा 3 है। देखिए, ब्रेन जो है झिल्लियों से बना है, आपने बंद गोभी देखी होगी, एक परत उतारिए, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत। ब्रेन को कुछ कुछ आप ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए कि ये मेम्ब्रेन से, परतों से बना है, और ये परतें बनी हैं डीएचए से, तो बिना डीएचए के ब्रेन की मेम्ब्रेन्स नहीं बन पाएंगी। थोड़ा इसके अंदर जटिलता में हम और उतरेंगे कि ब्रेन दरअसल बना किन चीजों से है, तो उसकी और जटिलता में जाएंगे, पर यहां मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मेम्ब्रेन्स फैटी एसिड से बनती है, यानी फैट से बनती है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण फैट्स भी हमारे न्यूट्रिशन में इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अच्छे फैट्स, अच्छे फैट्स यानी ओमेगा 3, और ओमेगा 3 का राजा यानी डीएचए, और ये ओमेगा 3 का राजा डीएचए ब्रेन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ओमेगा 3 है, और कुल जो फैटी एसिड ब्रेन में होते हैं उसका 20% डीएचए ही होता है। ये सब हम जर्नल से देखें। अब इस स्लाइड में पहले आप पढ़ने की जगह पहले जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखें। ये देखिए, ये न्यूरॉन्स हैं। देखिए, मैं फिर से आपको चेता दूं कि स्लाइड्स में आप पहले चित्र को देखें, हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाने की, डायग्राम्स से समझाने की ज्यादा आसानी होती है, आप उसको देख लेंगे जल्दी समझ जाएंगे। हालांकि टेक्स्ट भी पढ़िए, पहले डायग्राम देख लीजिए फिर टेक्स्ट पढ़िए। मैं दोबारा आपको लिए चलता हूं उसी स्लाइड पे। ये देखिए, ये बच्चे का ब्रेन है, और उस ब्रेन की एक नर्व कोशिका हमने अलग कर ली। ये न्यूरॉन है बच्चे के ब्रेन, मतलब ये ब्रेन इन्हीं नर्व कोशिकाओं के संयोजन, करोड़ों नर्व कोशिकाएं इस ब्रेन में है, और ये नर्व कोशिकाएं बनेंगी, उसी से ब्रेन बनेगा, और इन्हीं नर्व कोशिकाओं की जो झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, उनका डीएचए एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। ऐसा कौन बोलता है? ये वही जर्नल बोल रहा है, क्लिनिकल लिपिडोलॉजी, जो ये क्लियरली हमें बताता है कि ये बच्चे जो शिशु जो मां के पेट में बन रहा है, ऐसा उसने जर्नल ने स्पष्ट लिखा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम में अगर नई नर्व कोशिकाएं बननी हैं, और नई तो बनेंगी साहब, क्योंकि ब्रेन तो नया बन रहा है, जो पहले था ही नहीं, एक बच्चा जो जिसका अस्तित्व नहीं था उसने मां के पेट में अब अस्तित्व लेना शुरू किया है, तो उसके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसा झाड़ जैसा, ये दरअसल एक नर्व कोशिका, मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसी करोड़ों नर्व कोशिकाओं से ये ब्रेन बनेगा, और इसी ब्रेन से ये बच्चा माँ को पहचानेगा, अपने पिता को पहचानेगा, अपनी दुनिया को देखेगा, समझेगा, सुनेगा, सूंघेगा, और हर चीज महसूस करेगा, और इन नर्व कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके लिए डीएचए एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट यानी घटक है, और ऐसा ये जर्नल बोल रहा है। यहां मैं आपको एक डायग्राम याद दिला दूं, जब हमने जब भी ओमेगा 3 के बारे में चर्चा करी है हमने ये डायग्राम आपको दिखाया है, हमने ये दिखाया है कि ये जो टुकड़ा आपको सामने दिख रहा है, ये जो चित्र आपको सामने दिख रहा है, ये दरअसल जैसे केक का एक टुकड़ा काट लिया हो, ऐसे किसी एक कोशिका का हमने झिल्ली का टुकड़ा काट लिया, उसकी मेम्ब्रेन, हर हमारे शरीर कोशिकाओं से बना है और हर कोशिका की मेम्ब्रेन है। मैं इसको थोड़ा सा रुक के समझाता हूं। ये जो हमारा शरीर है, ये त्वचा है, ये बाल है, ये हमारा हर अंग जो है वो कोशिकाओं से ही मिलके बना है, इसी प्रकार ब्रेन भी कोशिकाओं से बना है,
और हर कोशिका की एक मेम्ब्रेन होती है, और वही मेम्ब्रेन का ये टुकड़ा हम आपको यहां दिखा रहे हैं। अब मैं वापस आपको लिए चलता हूं, ये देखिए ये कोशिका की मेम्ब्रेन है, और ये कोशिका की मेम्ब्रेन में डीएचए, ये जो इसमें गोले गोले से दिख रहे हैं, ये इसमें फैट के कण हैं, और ये फैट के कण या तो डीएचए हो सकते हैं, ओमेगा 3 फैट डीएचए के हो सकते हैं, या ओमेगा 6 फैट के हो सकते हैं। जितना अधिक इन कणों में डीएचए के कण ज्यादा होंगे, उतनी ये मेम्ब्रेन लचीली होगी, नरम होगी, और उतनी ये मेम्ब्रेन अच्छी रहेगी। तो ये कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन है, ये इन डीएचए के कणों से बनी होंगी, तो ये मेम्ब्रेन फ्लूडिटी यानी उसकी तरलता अधिक रहेगी, मेम्ब्रेन्स में जुड़े एंजाइम्स की कार्यक्षमता अच्छी रहेगी, और ये मेम्ब्रेन नरम रहेगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा क्लिनिकल लिपिडोलॉजी नामक ये जर्नल कहता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अब ये मैं आपको एक दूसरे जर्नल का चित्र दिखा रहा हूं। यहां मैं ये चित्र आपको बहुत सरलता से समझा रहा है कि ये एक व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये व्यक्ति जो डीएचए और ईपीए खाता है, ये उसके ब्रेन में जाता है, ये ब्रेन में जाता है, और ये उसके न्यूरॉन है। ये चित्र का हम चर्चा फिर से लेंगे इसको उपयोग में। ये न्यूरॉन यानी कि नर कोशिका, और ये दिख रहा है न्यूरॉन की झिल्ली का एक टुकड़ा। ये चित्र आप बहुत आसानी से अच्छे से समझ लें तो बहुत अच्छा है। ये जो मेम्ब्रेन का टुकड़ा है, इसमें ये जो गोले 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 दिख रहे हैं, ये डीएचए के कण है। अगर ये डीएचए के कण कम होंगे तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कड़ी हो जाएगी, और ये इसके बीच में ये जो कुछ थोड़े से ये हिस्से जो हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल से पूर्णता भर जाएंगे और ये भी कड़े हो जाएंगे। तो ये अगर मेम्ब्रेन कड़ी हो जाएगी तो ये अपना काम सामान्यता नहीं कर पाएगी। और ये यहाँ पे मैंने ये चित्र हमने नहीं बनाया, ये हमने इसी साइंटिफिक जर्नल से लिया है, शायद आपको स्पष्टता दिख रहा होगा। करंट एथेरोस्क्लेरोसिस 2019 का जर्नल है, और ये जर्नल का ही चित्र है, जर्नल का ही डायग्राम है। सो जो आपने डीएचए खाया है वो आपके ब्रेन में जाता है, इसी तरह जो बच्चे की माँ ने जो डीएचए खाया है वो रक्त के द्वारा, माँ के रक्त के द्वारा प्लेसेंटा से गुजरते हुए बच्चे के ब्रेन में पहुंच रहा है, और वहां जो ये नर्व कोशिकाएं बन रही हैं, उनकी जो झिल्लियां बन रही हैं, उनमें ये डीएचए प्रयुक्त हो रहा है, और ये झिल्लियां अगर नरम रहेंगी तभी ये झिल्लियां अपना काम कर पाएंगी, तभी न्यूरॉन्स अच्छे बनेंगे। इसका हम आज आपको विजुअल प्रमाण देने वाले हैं। आज का सेशन जैसा सेशन हमने डीएचए पे कभी पहले लिया ही नहीं। तो ये एक जर्नल का आर्टिकल है, ये हम मन से नहीं बोल रहे हैं। अब तक हम आपको स्लाइड से समझाते आए, हम अपनी तरफ से आपको उदाहरण दे दे के समझाते आए, पहली बार हम आपको विज्ञान का प्रमाण दिखा रहे हैं। तो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि डीएचए जो है नर कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है, ये जर्नल्स हैं, और ये जर्नल कब छपा आप लोग जो स्पष्ट देख पा रहे हो, ये 2019 में छपा है, यानी कि अभी तो मात्र 8 महीने हुए हैं जब ये जर्नल में छपा है, और ये जर्नल विश्व प्रसिद्ध स्प्रिंगर नामक जर्नल मैगजीन में छपा है, यानी कि ये एक दुनिया के किसी भी डॉक्टर को दिखाया जा सकने वाला जर्नल है स्प्रिंगर, और उस जर्नल में ये आर्टिकल छपा है, और 2019 में छपा है, जो क्लियरली बोल रहा है कि डीएचए हमारे ब्रेन की जो नर्व कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, उनकी झिल्लियों का हिस्सा है। ये बात आप कस के पकड़ लीजिए। अब मेरे बच्चे को क्या लेना है इस साइंस से? साइंस होगी अपनी जगह, मेरे बच्चे को क्या लेना देना है? अब ये आपके घर में या जिस भी व्यक्ति की आप चिंता करते हैं उसके घर में जो ये जन्म लेने वाला बच्चा है, ये जब माँ के पेट में था तो इसका ब्रेन बना, ये जब मां के पेट ही में था तो इसकी आंखों का रेटिना बना। अब ब्रेन और रेटिना की कोशिकाओं में इसकी कितनी प्रमाण होती है, कितना इसका अनुपात होता है? ब्रेन में भी हमने आपको बताया कि मुख्य ओमेगा 3 डीएचए है, और आंखों के रेटिना में रॉड और कोन्स, ये आपको कोई भी छठी क्लास का बच्चा बता देगा कि आंखों के रेटिना में रॉड और कोन्स वो कोशिकाएं हैं जो हमारे को रंग, लाल पीला रंग हम अलग अलग तभी पहचान पाते हैं, सामने से आ रहे व्यक्ति का चेहरा एकदम स्पष्टता पहचान लेते हैं, बारीक अक्षरों में लिखा हुआ मोबाइल में नंबर आता है उसे पढ़ लेते हैं, ये रॉड एंड कोन्स के कारण संभव होता है। और ये रेटिना की इन कोशिकाओं में डीएचए का प्रमाण उनमें, उन कोशिकाओं में जितना टोटल फैटी तत्व है उसका 60% है,
यानी कि ये जो स्लाइड आपको समझा रही है, जो हमने आज तक इतना जोर डाल के नहीं समझाया है, वो समझा रही है। हमने आज तक आपको इतने जोर से नहीं समझाया कि ब्रेन के अलावा आंखों के रेटिना के लिए भी डीएचए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको वापस लिए चलता हूं। देखिए मैं अब आपको वापस उसी सेक्शन पे लिए चलता हूं जहां हम थे। थोड़ा सा व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं। ये देखिए, वापस वहीं पहुंचते हैं जहां हम ब्रेन और रेटिना की बात कर रहे थे। ये वो स्लाइड थी, यानी कि ये जो शिशु मां के पेट में जन्म ले रहा था, इसका आकार बन रहा था, इसके आंखों की जो रेटिना है उसका 60% जो फैटी कंटेंट है, फैटी कंटेंट का 60%, ये आंखों की रेटिना में और भी तत्व होंगे लेकिन उसमें मुख्यतः फैटी तत्व होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, और उन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 तत्वों का कुल 60% डीएचए होता है। यानी ये जो सुंदर आंखें जिसके ऊपर आप मोहित हो रहे हैं, ये जो आपको देख पा रही है, माँ और बाप को पहचान पा रही है, इसके रेटिना का 60% डीएचए से बना है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को, महसूस कर पा रहे हैं इस बात को? ये देखिए साहब, अब मैं आपको रॉड और कॉन्स कोशिकाओं के दर्शन करा दे रहा हूं। ये आंखों का मैंने चित्र बनाया, ये आंखों के चित्र के पीछे ये रेटिना का मैंने हिस्सा उठाया। ये देखिए, ये वो हिस्सा है रेटिना का जो स्पष्ट देखने के लिए जरूरी होता है। ये आंख का चित्र आप देख पा रहे हैं, ये रेटिना का वो हिस्सा मैंने बड़ा करके निकाल लिया बाहर, और यहाँ पे जब ये रोशनी गिरती है तो ये रॉड्स एंड कोन्स हैं, ये जो लाल नीले आपको अलग अलग कोशिकाएं दिख रही हैं डंडे जैसी, ये रॉड्स एंड कोन्स हैं। ये रॉड्स एंड कोन्स ही हमारे को अलग अलग रंग दिखाती हैं, अलग अलग चीजों में भेदभाव करना सिखाती हैं। हमारी आंखों का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इन फोटो रिसेप्टर रॉड कोशिकाओं का सामान्यता कार्य करना देख पाने के लिए जरूरी है, और इसके लिए डीएचए अत्यंत आवश्यक है। चलिए वापस अब ब्रेन की तरफ आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं, और अब आप बहुत सावधानी से अगली कुछ स्लाइड्स देखिएगा। अब ये मैं आपको थोड़ा सा एहसास करा रहा हूं कि ये आर्टिकल हमें क्या बता रहा है। ये आर्टिकल हमें जो बता रहा है वो मैं आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये बच्चा दिख रहा है जो माँ के पेट में पल रहा है, माँ के पेट से जुड़ा है, ये प्लेसेंटा गर्भनाल से जुड़ा हुआ है, और ये जो महीन महीन कोशिकाओं वाले जो सेल्स कोशिकाएं दिख रही हैं, ये जो महीन महीन शाखाओं वाली, ये उसके नर्व सेल्स हैं और ये उसके ब्रेन का हिस्सा है। और ये आर्टिकल ये कह रहा है कि मात्र 18 दिन में अगर ये शिशु को डीएचए मिलना शुरू हुआ, क्योंकि आपने उसकी माँ को दिया और उस शिशु को डीएचए माँ के रक्त से प्लेसेंटा द्वारा मिला, ये गर्भनाल जो आई प्लेसेंटा से जुड़ी है, पीछे माँ के गर्भ से जुड़ी है, और ये प्लेसेंटा के थ्रू रक्त आया और रक्त में डीएचए आया, और 18 दिन में जादू होना शुरू हो गया, और ये जो महीन महीन जो शाखाएं आपको बनती दिख रही हैं, ये महीन महीन शाखाओं की संख्या में बढ़त हुई। और ये जो हम आपको बोल रहे हैं आज, हम उसका प्रमाण दिखाने जा रहे हैं आपको चित्र के माध्यम से। हम एक्चुअल फोटोग्राफ के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं कि ये महीन शाखाएं बढ़ गई, ये वाकई होता है, वास्तविकता में होता है। अब ये शाखाएं कहाँ हैं? ये नर्व कोशिकाएं की शाखाएं हैं, और ये नर्व कोशिकाएं कहाँ हैं? ये बच्चे के ब्रेन में है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि केवल 18 दिन के अंदर ही माँ को दिए हुए डीएचए ने इस बच्चे के ब्रेन में असर दिखाना शुरू कर दिया है। यानी आपने पहला कैप्सूल जिस दिन खिलाया था उसके 18 दिन के अंदर ही बच्चे के ब्रेन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। उसके ब्रेन के अंदर ये जो नर्व कोशिकाएं थी, इनकी शाखाएं, महीन महीन शाखाएं ज्यादा बनने लग गई। अब यहां एक क्षण के लिए रोक के मैं आपको समझा दूं कि ये शाखाओं का महत्व क्या है। ये देखिए, जैसे दो हाथ आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये दो नर्व सेल हैं, दो हाथ नहीं है, ये दो नर्व सेल हैं, और ये आपस में इन्हीं शाखाओं के जरिए मिल रहे हैं। अगर ये शाखाएं नहीं होंगी तो ये आपस में उतने अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप इस उदाहरण से समझ गए हैं तो मैं आपको वापस ले चलूं कि ये महीन शाखाओं का क्या महत्व है। इन महीन शाखाओं का अत्यधिक महत्व है,
ये महीन शाखाओं का अत्यधिक महत्व है। ये महीन शाखाएं जो उनकी कोशिकाओं की, नर्व कोशिकाओं की बन रही हैं, ये ज्यादा बनेंगी तो ये बच्चे का ब्रेन और अच्छे से काम कर सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इस आर्टिकल में प्रमाण के आधार पर कहा गया है, केवल केवल देखा सुना बात नहीं। अब ये देखिए साहब, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर आपने मां को डीएचए देना शुरू किया, देखिए साहब एक चीज मैं क्षण भर के लिए आपको फिर रोक लेता हूं। मां को जब डीएचए दिया जाता है, वो मां ने खाया, अब मां ने जो खाया वो उसके पेट में गया, पेट से उसके रक्त में गया, अब उसके रक्त से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के तक वो रक्त से प्लेसेंटा के द्वारा पहुंच गया। अब ऐसा प्रमाण या आर्टिकल हमारे को बता रहे हैं, वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि वो डीएचए जाकर के ब्रेन के अंदर और उसके बच्चे की आंखों के रेटिना के अंदर एकत्रित हो जाता है। इसका यहां पे हमने आपको एविडेंस दिखाया है। मैं वापस उसी आर्टिकल पे लिए चलता हूं। ये देखिए साहब, ये देखिए, जब मां को डीएचए मिल रहा था या मां के शरीर में पर्याप्त डीएचए उपलब्ध था, तो जब तक बच्चा छठे महीने का हुआ, तीसरी तिमाही शुरू हुई, पहले तीन महीने, दूसरे तीन महीने खत्म हुए, बच्चा गर्भ का बच्चा छह महीने का हुआ, तब तक ऑलरेडी पहले से ही उसके बच्चे के ब्रेन में काफी मात्रा में डीएचए इकट्ठा हो चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुदरत जानती है कि इस बच्चे के ब्रेन को उस डीएचए की आवश्यकता पड़ने वाली है। और ये सब वैज्ञानिक प्रमाण से आज आप तक हम बात कर रहे हैं, और हम आपको इसका सैद्धांतिक रूप से दिखाएंगे भी कि क्या मतलब क्या है इसका। एक बात और बड़ी बात है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई माँ को तो हम बहुत बादाम खिला रहे हैं, बहुत घी के लड्डू खिला रहे हैं, हम मेथी के लड्डू खिला रहे हैं, बड़ा पौष्टिक आहार दे रहे हैं, तो भाई उसके शरीर में स्वयं बच्चे के लिए जो जरूरी है वो सब बन जाएगा। माँ को हमने पहले से बहुत कुछ खिलाया है, कई लोग शाकाहारी हैं, उन्होंने बेस्ट से बेस्ट शाकाहार खिलाया है, जो मांसाहारी है उन्होंने गर्भवती लड़की को बहुत अपनी हैसियत से भी अच्छा खिलाया है। लेकिन यहां जो सैद्धांतिक रूप से लिखा है, जो वैज्ञानिकों ने लिखा है, उसको आप पढ़ के समझ लीजिए। मैं फिर से आपको दिखाने जा रहा हूं। ये कहता है कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 तत्वों से डीएचए का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मां के आहार में ओमेगा 3 है तो उसके शरीर में डीएचए बनेगा, लेकिन वो डीएचए इतना नहीं बन पाएगा कि गर्भ में पल रहे बच्चे और उस लड़की, प्रेग्नेंट लेडी, वो जो गर्भवती मां है, उन दोनों की जरूरतों की पूर्ति कर सके। ये बात आप बहुत क्लियरली समझ लें कि आपने ओमेगा 3 किसी भी स्रोत से मां को दिया, दूसरा डीएचए नहीं दिया और कोई भी और ओमेगा 3 दिया, या उसके आहार पर आप निर्भर कर गए कि साहब इसमें ओमेगा 3 है, बढ़िया खा पी रहे हैं हम, तो उससे मां के शरीर में डीएचए बनेगा, हाँ बनेगा, पर वो इतना नहीं बन पाएगा, वो इससे कम बन पाएगा जितना उस बच्चे की और मां की आवश्यकता है। ये प्रमाण यहां आपको मिल रहा है, ये देख लीजिए, मिला आपको। और ये भी इसी आर्टिकल में लिखा है जो 2012 में छपा, ये देखिए साहब। और अगर ये पूरा नहीं मिलेगा तो फिर से आपको याद दिला दूं, यही आर्टिकल जिसने ये इतना गहन अध्ययन किया डीएचए का प्रभाव, उसने ये बोला कि दो दो लोगों को, पहला गर्भवती महिला और दूसरा दूध पिलाने वाली महिला, यानी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अगर इन दोनों के आहार में, एक प्रेग्नेंट लड़की और एक दूध पिलाने वाली लड़की के आहार में डीएचए उपलब्ध नहीं है या कम है, तो इसका सीधा असर बच्चे के ब्रेन और शरीर के डेवलपमेंट पे पड़ता है, ऐसा ये आर्टिकल हमें बता रहा है। तो अगर आपके परिवार में या आपके परिचितों में कोई लड़की प्रेग्नेंट है या उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, वो उसे दूध पिला रही है, तो ये सुनिश्चित कीजिए कि उस लड़की के आहार में डीएचए की उपलब्धता रहे, नहीं तो वो जो बच्चा बन रहा है, आकार ले रहा है, या माँ की कोख में या माँ की गोद में पल रहा है, उसके ब्रेन और शरीर के डेवलपमेंट पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये तय है। और ऐसा वैज्ञानिक बोल रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा ये जरा आपको मैं थोड़ा और समझाता हूं। देखिए, अब ये बच्चा जो मां के पेट में जन्म ले रहा है, ये बच्चे के सारा शरीर बन रहा है, आप देख सकते हैं इसको, सारा शरीर बन रहा है, लेकिन साथ साथ इसका ब्रेन भी बन रहा है,
और ब्रेन जरा ज्यादा ही बन रहा है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक एडल्ट के शरीर के मुकाबले उसका शरीर बड़ा नन्ना सा होता है, लेकिन आप भूलना चाहिए कि उसका जो ब्रेन जब वो पैदा होता है एक एडल्ट व्यक्ति के ब्रेन के लगभग 70% क्षमता वाला होता है, मतलब उतना उसका वजन हो चुका होता है। तो आप ये बात को समझ जाइए कि मतलब काफी मात्रा में उसके ब्रेन की नई नर्व कोशिकाओं का निर्माण होता है, तभी तो इतना ब्रेन उसका बनता है। और अगर डीएचए नहीं मिला माँ को, तो माँ के आहार में डीएचए की कमी का बच्चे के ऊपर कहाँ प्रभाव पड़ेगा? बच्चे के ब्रेन के अग्रभाग, जिसको फोरब्रेन बोलते हैं। मैं जरा एक चित्र बदलता हूं, टेक्स्ट वही रहेगा, आपको समझा पाऊं। ये देखिए, मान लीजिए ये बच्चा, ये चित्र है, पर आप मान लीजिए ये बच्चा शिशु जो है माँ के पेट में बन रहा है, ठीक है, या ये थोड़ा जन्म ले चुका है और माँ से दूध पी रहा है। अब ये इसका ब्रेन बन रहा है, आप देख सकते होंगे, मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हूं। और ये जो अग्रभाग है, ये फोरब्रेन है इसका, और ये फोरब्रेन हमारे सोचने समझने और तेजी से रिएक्ट करने की क्षमता के लिए आवश्यक है। जैसे कोई उलझन आपको बताई जाए तो वैज्ञानिकों को पता है कि आपका ब्रेन फोरब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, आप उस उलझन के ऊपर अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं तो फोरब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। यही फोरब्रेन के जो कोशिकाओं का निर्माण है, इस पे डीएचए की कमी का सीधा सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है और बच्चे के ब्रेन फोरब्रेन की संरचना में असामान्य बदलाव हो सकते हैं। ये बात आपको स्पष्टता जाननी और समझनी है, शायद आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं एक क्षण के लिए इसको रोकता हूं। देखिए, कोई भी समस्या, कोई भी आप जटिलता समझते हो, कोई सवाल, कोई पहेली अगर आपसे पूछी जाए, तो आपके मस्तिष्क में जो फोरब्रेन है, जो आगे की तरफ है, वो एक्टिवेट होता है और वो उस तथ्यों को समझने की कोशिश करता है, उससे कुछ सवाल का जवाब सोचने की कोशिश करता है। ऐसा ही बच्चे के साथ भी होता है, लेकिन बच्चे का जब ब्रेन बन रहा है, उसका जो फोरब्रेन आगे का ब्रेन का जो हिस्सा बन रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रेन का, उसकी कोशिकाओं के निर्माण पे दुष्प्रभाव पड़ेगा अगर डीएचए माँ के आहार में नहीं है, क्योंकि वो बच्चे का आहार तो माँ के रक्त से मिलेगा अगर वो पेट में है, या माँ के दूध से मिलेगा अगर वो दूध पी रहा है, और कोई तीसरा आहार तो उसको मिलने वाला है नहीं। तो ये वापस हम चलते हैं उसी चित्र पे, जिससे आप समझे, ये जो फोरब्रेन है इस पे डीएचए की कमी का सीधा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उसमें असामान्य बदलाव हो रहे हैं। अब जो माँ को डीएचए मिलता है, ये क्या गारंटी है कि वो बच्चे को ही मिलेगा, वो माँ के ही शरीर में तो नहीं खप जाएगा? इसका भी प्रमाण इसी आर्टिकल ने दिया है कि गर्भवती माँ के शरीर से प्लेसेंटा द्वारा पेट में पल रहे बच्चे को उसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक डीएचए प्राथमिकता से मिलेगा। यानी अगर माँ की और बच्चे की आवश्यकता की बारी आई तो प्रकृति पहले माँ के रक्त से डीएचए बच्चे को देगी, उसके बाद माँ की तरफ ध्यान देगी। ये तथ्य एकदम सिद्ध है कि अगर आपने डीएचए माँ को खिलाया तो माँ को तो फायदा मिलेगा, लेकिन माँ से पहले, दूध पिलाने वाली महिला हो भले गर्भवती लड़की हो, माँ से पहले फायदा बच्चे को मिलेगा। क्यों? प्रेफरेंशियल ट्रांसफर, ओरिजिनल आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में उसमें लिखा है प्रेफरेंशियल ट्रांसफर ऑफ डीएचए, यानी डीएचए की जो बांटा जाएगा कि साहब ठीक है इतना 400 एमजी डीएचए माँ ने खाया, शरीर में इतना एब्जॉर्ब हुआ, अब ये 200 एमजी उपलब्ध है या 100 एमजी उपलब्ध है, इसमें से ज्यादा किसको देना है, तो प्रेफरेंशियल डीएचए का जो उपलब्धता है वो बच्चे को मिलने वाली है माँ से ज्यादा, ऐसा आर्टिकल बोलता है। अब कितना डीएचए ये बच्चा ले लेता है, ये देखिए, गर्भस्थ शिशु माँ से रोज 67 मिलीग्राम डीएचए माँ के रक्त से खींच लेता है, और दूध पीने वाला बच्चा मां के रक्त से प्रतिदिन 70 से 80 मिलीग्राम डीएचए ले लेता है। अब डीएचए की इतनी अधिक मात्रा शिशु को अगर मां देगी तो मां के शरीर में अगर उसको डीएचए नहीं मिला तो खासी कमी हो जाएगी, यानी 70 से 80 मिलीग्राम डीएचए प्रतिदिन मां को मिलेगा, मां से शिशु को मिलेगा, चाहे वो उसके गर्भ में पल रहा है, चाहे वो उसका दूध पी रहा है। ये देखिए साहब, और जब बच्चा जन्म ले लेता है, अगर आपके घर में अभी अभी किसी नवजात ने जन्म लिया है तो मुबारक हो, बच्चे तो भगवान की या ऊपर जो भी ताकत है उसकी देन है, और वो बच्चे ने जितने भी मस्तिष्क से जन्म लिया है, अगले 6 महीने और भी ज्यादा क्रूशल है कि अगले 6 महीने में भी इस ब्रेन का वजन लगभग दुगना हो जाएगा।
जो 370 ग्राम के करीबन लगभग उसका ब्रेन पैदा होने के समय पे है, वो अगले 6 महीने में लगभग दुगना हो जाएगा, ऐसा ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन का आर्टिकल बोलता है। इसलिए शिशु के ब्रेन को ऐसी सतत बढ़त के लिए, जो लगातार होने वाली बढ़त है, माँ के दूध या ऊपरी आहार से ये DHA मिलना आवश्यक है। ये देखिए, अब आप इसको जरा चित्र बदल दिया, टेक्स्ट वही है, आप समझें, ये शिशु ने जो जन्म लिया है, ये जब तक ये शिशु 6 महीने का होगा, ये ब्रेन डबली मैच्योर हो जाएगा। मतलब वो किस तरह से मैच्योर होगा, हम आपको आगे खुलासे में समझाएंगे, लेकिन ये पहले 6 महीने और पहले 2 वर्ष जन्म के बाद भी अगर आप DHA महिला को गर्भ, जब वो गर्भवती थी, नहीं दे पाए हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है। जन्म लेते ही जब वो दूध पिला रही है, उस समय वो मौका ना चूकें। न्यूट्रीचार्ज ने दोनों तरह से DHA उपलब्ध कराया है, गर्भवती महिला को देने के लिए DHA के 200 मिलीग्राम के कैप्सूल्स, 400 मिलीग्राम के कैप्सूल्स उपलब्ध हैं। जो दूध पिलाने वाली महिला है, उसको देने के लिए भी DHA के, न्यूट्रीचार्ज DHA के 200 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम के कैप्सूल्स उपलब्ध हैं। बच्चा जब तक दूध पी रहा है, उसको अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं, वो माँ के दूध से ले रहा है। लेकिन जब वो बच्चा आहार छोड़ देगा, माँ का दूध छोड़ देगा और बाहरी आहार लेगा, उस समय देने के लिए भी न्यूट्रीचार्ज DHA ट्रिस्ट का निर्माण किया गया है। तो ये आप समझ के चलिए कि आपकी आवश्यकता के सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। आप तो सिर्फ इसलिए समझ लीजिए कि लेना भी है कि नहीं लेना, बच्चे को देना है नहीं देना है, बच्चे की माँ को देना है कि नहीं देना, गर्भवती महिला को देना है कि नहीं देना, दूध पिलाने वाली माँ को देना है कि नहीं देना, ये समझना आपके लिए आवश्यक है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मछली में भी DHA होता है। बिल्कुल होता है साहब, तो मैं मछली खिला दूंगा। बिल्कुल शौक से खिलाइए, लेकिन उसमें एक थोड़ी गंभीर बात है जो आपको मुझे बताना पड़ेगी, जो वैज्ञानिकों ने बोली। दोबारा देखते हैं क्या गंभीर बात है। दरअसल जिस पानी में मछलियां पल रही हैं, वो पानी प्रदूषित है, नदियों का पानी प्रदूषित है, समुद्र का पानी प्रदूषित है, और बहुत हानिकारक तत्व उस पानी में घुले हुए होते हैं। और उन सब तत्वों में एक अत्यंत हानिकारक तत्व है मरकरी, यानी कि पारा। अब ये मरकरी की बूंदें उस पानी में होती हैं, इसलिए जो मछलियां उस पानी में रहती हैं, उनके शरीर में समा जाती हैं। और इन मछलियों के शरीर में जो तेल इकट्ठा होता है समुद्री पौधे खाने से, जहां से DHA ये ओरिजिनल प्राप्त करती हैं, उसके साथ साथ ये मरकरी की बूंदें भी इन मछलियों के शरीर में होती हैं, इसलिए उनके शरीर से पाए गए हर प्रोडक्ट में भी हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला और दूध पिलाने वाली महिला को मछली के सेवन से बचने की सलाह देते हैं कि कम से कम ज्यादा तो मत खाइए, खाना ही है तो थोड़ा कम खाइए, अत्यधिक ना खाइए, क्योंकि अगर ये मरकरी गर्भ में पल रहे बच्चे को या दूध पीते बच्चे को मिलेगा, तो ये उसके ब्रेन को और पूरे शरीर को बहुत हानिकारक रहेगा, बहुत अत्यंत क्षति पहुंचाएगा, ये ध्यान दीजिए। इसलिए मछली खाने वाला जो रास्ता है वो थोड़ा कांटों से भरा है, ये सावधानी बहुत अधिक जरूरी लेना जरूरी है। ये देखिए, ये वही बात है कि 12 महीने में बच्चे के ब्रेन का वजन लगभग 3 गुना हो जाएगा जन्म के बाद। अब ये जो स्लाइड है, एक तो 12 महीने में बच्चे के ब्रेन का जन्म के समय से 3 गुना हो जाएगा, 6 महीने में दुगना हो जाएगा, यानी पहला वर्ष तो ऐसा है बिल्कुल धूमधड़ाम चल रही उसके ब्रेन, बढ़िया तेजी से उसमें ब्रेन का निर्माण आगे बढ़ रहा है, ब्रेन गर्भ में भी खूब सारा बना, बन के जब पैदा हुआ उसके बाद उसका ब्रेन तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, उसका वजन बढ़ना शुरू हुआ, कोशिकाएं तो उसमें एडल्ट ब्रेन के 70% के बराबर जन्म के समय थी, लेकिन उनमें डिपोजिशन, उसमें लिपिड्स, उसमें DHA, उसमें अन्य तत्व, अन्य ओमेगा 3, इन सब का जमाव के कारण उस ब्रेन का वजन 6 महीने में दुगना और 1 साल में तिगुना हो जाएगा। और ये पहले जन्म के बाद पहले 2 महीने में, पहले 2 वर्षों तक ये तेजी से निर्माण चलता रहेगा, और ये निर्माण के बावजूद, और इसके बावजूद ये दो साल तक तो चलेगा, और बच्चा जब तक 8 साल का नहीं हो जाता, तो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स के अंदर DHA का जमाव जन्म के बाद 8 वर्ष तक बढ़ता रहता है। अगर आपके घर में बच्चा जन्म ले लिया, उस समय आपने गर्भ में नहीं मिला, उसको DHA नहीं दे पाए, रह गया जन्म के बाद 2 वर्ष तक भी आप उसको DHA नहीं दे पाए, रह गया बच्चा 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का हो गया, तो भी DHA देने से उसके ब्रेन की मेम्ब्रेन्स में DHA डिपॉजिट होगा, कुछ ना कुछ लाभ उसे जरूर मिलेगा, ये तय है।
इसलिए आपका शिशु, आपके घर में जो भी बच्चा है, वो अगर जन्म ले चुका है तो भी आप निराश ना होए। जितना डीएचए आप उसको जितनी जल्दी देंगे उतना अधिक लाभ उसे मिलेगा। और ये देखिए, अब ये आप ब्रेन का इमेजिनेशन कीजिए। पहले चित्र देखिए, मैं आपको फिर से बोलूंगा, इस स्लाइड में बहुत सारा आंकड़े लिखे हैं, वो सब की तरफ आप ध्यान दीजिए, पर पहले चित्र इसलिए देखिए कि हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने की जो चेष्टा कर रहे हैं वो ज्यादा आसान है समझना। तो वापस लिए चलता हूं उस चित्र पे। ये देखिए, ये समझ लीजिए शिशु का ब्रेन है, और ये जो आपको मकड़ी के जाले जैसे दिख रहे हैं, ये जाले नहीं है, ये दरअसल करोड़ों नर्व कोशिकाएं हैं, करोड़ों नर्व कोशिकाएं हैं इसके ब्रेन में है। और आप ये देखिए, ये ब्रेन में ये नर्व कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ रही, सर्किट बन रहे हैं, और ये सर्किट बनते और बदलते रहते हैं। जैसे जैसे ब्रेन की परिपक्वता होती है, वैसे वैसे ब्रेन के अंदर रीमॉडलिंग होती है। यानी देखिए, जैसे क्या होता है, आप अपने घर से कहीं दूर जाते थे और उसका एक कच्चा रास्ता था, लेकिन एक पुल बन गया था आप नदी पे, और वो कच्चे रास्ते की जगह वो पुल पे जाने से आपको बहुत समय बचता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप भी कच्चे रास्ते से जाएंगे कि पुल से जाएंगे? आप पुल से जाएंगे। इसी तरह ब्रेन के अंदर सर्किट्स जो हैं वो पहले लंबे लंबे होते हैं, फिर जैसे जैसे ब्रेन मैच्योर होता है वो सर्किट्स चेंज होते जाते हैं, वो सर्किट्स नए बनते जाते हैं, ताकि वो ब्रेन तेजी से ये लाखों करोड़ों नर्व कोशिकाएं आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें, और झट से आप कोई भी चीज पहचान लें, किसी भी चीज की गंध से आप समझ लें कि ये तो अच्छा वो फूल है, या ये तो घर में आज ये बना है, या ये तो मेरी माँ की आवाज है, या तो ये मेरे पिता आ गए, बाबा आ गए, या घर में वालिद आ गए, ये अम्मी की आवाज है। ये सर्किट्स जो अंदर बन रहे हैं, बन रहे हैं लगातार बन रहे हैं। और ब्रेन की संरचना जन्म के बाद 8 वर्षों तक ब्रेन की रिमॉडलिंग चल रही है, और ये रिमॉडलिंग के लिए ये जो जोड़ दिख रहे हैं आपको, ये जो कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा पास कर रही हैं, ये जोड़ बनने बहुत आवश्यक है, तभी वो बच्चा एकदम अलर्ट और एक्टिव रहेगा। आप क्या चाहते हैं, कि आपका बच्चा सामान्य बच्चों की तरह या थोड़े कम बुद्धि वाले बच्चों की तरह रहे, कि 10 बार आप समझाएं तो 1 बार बात समझे, या वो तुरंत बताते ही समझ जाए? तो ऐसे कुशाग्र बुद्धि बच्चे कैसे बनते हैं, ये मैं आज आपको पहली बार इस सेशन से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, और डायग्राम यानी फोटो के माध्यम से समझा रहा हूं। आपको साइंस नहीं आती, कुछ मत डरिए, साइंस हमारे पास बहुत है, वो आपको विश्वास होना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं, और जो भी आपको रेफरेंस चाहिए हम आपको भेज देंगे। आप तो अपना मेल नंबर आईडी कर दीजिए, हम आपको तुरंत मेल कर देंगे। आप दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर को दिखा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये हाँ हम गलत नहीं बोल रहे। आप तो यहां समझिए सिर्फ, और सरलता से समझिए, ये बच्चे के ब्रेन में लगातार ये जो नर्व कोशिकाएं हैं आपस में जुड़ा रही हैं, और ये जो जुड़ते और बदलते ये जो सर्किट्स हैं, ये जो बदलाव हैं, जो रीमॉडलिंग है, इसी से बच्चा कुशाग्र बुद्धि बनने वाला है। हमें थोड़ा सा खुल के समझा दूं, यहां मैंने केवल 2 नर्व कोशिकाओं को अलग कर लिया है, और ये नर्व कोशिकाएं एक दूसरे से बात करने के लिए, देखिए जैसे मानो उनकी उंगलियां निकली हों, ये उंगलियां एक दूसरे को छूती हैं और मैसेज कन्वे हो जाता है, और इसी से लाखों करोड़ों मैसेज, मतलब बिजली की गति भी कुछ नहीं साथ, ये लाइट से भी फास्टेस्ट गति से ट्रांसफर होते हैं मैसेज। और ये जो जोड़ बन रहा है इसको हम कहते हैं साइनेप्स, और ये जन्म के बाद 8 वर्षों तक नए नए साइनेप्स बनते रहते हैं, और जिससे बच्चे का ब्रेन मैच्योर होता है, जो बात पहले वो देर में समझता था वो जल्दी समझने लगता है, जो पहले वो माँ को नहीं पहचानता था अब पलक झपकते उसको पता है, माँ की आवाज, माँ की खुशबू, माँ की ग्लोरी सब जानता है वो, पिता को जानता है, दादा को पहचानता है, वालिद को पहचानता है, खाला को पहचानता है, अम्मी को जानता है, आई को पहचानता है, सब चीजें समझने लगता है, क्योंकि ये साइनेप्स उसके ब्रेन में बन रहे हैं। ये चीज आप समझ लें, ये इस चीज के लिए आपको कोई भी ज्ञान विज्ञान अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान विज्ञान हमने नीचे लगा रखा है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की रेफरेंस से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कितनी तेजी से ये जोड़ बनते हैं, ये मैं आपको आंकड़ा दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। थोड़ा आगे जाके दिखाता हूं आंकड़ा, एक मिनट, वो आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, पर यहाँ पे अब मैं वापस आ जाऊं कि लेकिन भारत में महिलाओं को जो भी आहार हम देते हैं उसमें डीएचए नहीं होता, ये बात तथ्य है। ये क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी जर्नल ने 2017 में फिर से मानी, और भारत के संदर्भ में मानी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत में गर्भवती महिलाओं, आपने कितना भी प्रेम से अपनी बहू को रखा हो, अपनी वाइफ का केयर किया हो, लेकिन उनके आहार में डीएचए तो नहीं था, और ये उपलब्धता बहुत कम होती है।
और एक बात आप जान लीजिए, चूंकि बच्चे को दूध पिलाने वाली मां के आहार गाय भैंस के दूध और छोटे बच्चे के फॉर्मूला फूड किसी में भी पर्याप्त डीएचए नहीं होता, इसलिए नवजात शिशुओं को पर्याप्त डीएचए नहीं मिल पाता। ये तीनों चीजों में डीएचए नहीं होता। तो आप गलत फहमी में मत रहे कि साहब मैं तो अपनी बहू को बढ़िया भैंस का दूध सामने खड़े होकर निकलवा के पिलाऊंगा, या तो मैंने घर में ही गाय पाल ली है, बकरी पाल ली है, उसका दूध दूंगा। साहब उसमें पर्याप्त डीएचए नहीं है, उसके आहार में भी, लड़की के आहार में पर्याप्त डीएचए नहीं है। बच्चे के लिए आप महंगे से महंगा शिशु आहार अपनी जेब के बाहर जाके भी खरीद लाएं, उसमें भी लिखा होगा लेकिन पर्याप्त नहीं है, इसलिए नवजात शिशुओं को पर्याप्त डीएचए नहीं मिल पाता, ऐसा 2017 की रेफरेंस बोलती है। और जब ये डीएचए नहीं मिलता तो इस बच्चे के साथ क्या होता है, ये आप इमेजिन कीजिए। इस बच्चे का ब्रेन तो बनना है साहब, अब सीमेंट नहीं मिली तो मजदूर क्या करते हैं, दीवार तो बनानी है, वो रेत मिला देते हैं। अब रेत मिला के आपकी दीवार पे अगर प्लास्टर हो गया तो वो दीवारें कितनी मजबूत रहेंगी। रेत होती है कंक्रीट में, लेकिन रेत का एक अनुपात होता है, सीमेंट अगर सही मात्रा में नहीं मिला तो दीवार मजबूत नहीं बनती। इसी प्रकार ये बच्चे का जब ब्रेन बन रहा था, आंखें बन रही थी, तो उसको डीएचए अगर नहीं मिला तो ब्रेन और आंखों का रेटिना ओमेगा 3 की जगह ओमेगा 6 से बन जाएगा और ब्रेन की कार्यक्षमता घट जाएगी और बच्चे की आंखों की साफ साफ देख पाने की क्षमता भी घट जाएगी। और वो जो मैं आपको जोड़ बता रहा था वो यहां आप देखिए कि बच्चे के ब्रेन में डीएचए से समृद्ध साइनेप्स, ये जो जोड़ होते हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे, जन्म लेने के बाद पहले 2 वर्षों में प्रति सेकंड 40,000 नए साइनेप्स बन रहे हैं। जी हाँ, जितनी देर में हमने बात करी, करोड़ों साइनेप्स। अगर आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना सा बच्चा है जिसने अभी जन्म लिया है, जितनी देर में आप ये सेशन देख रहे हैं, जितनी देर में हमने बात करी, उसके ब्रेन में करोड़ों ये जोड़ साइनेप्स बन रहे हैं और हर साइनेप्स में डीएचए की आवश्यकता है, ऐसा ये आर्टिकल ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन का 2018 का बोल रहा है। ये देखिए साहब, अब आप दिल थाम लीजिए, कोई भी और काम कर रहे हैं तो अगले 2-10 सेकंड आप 15 सेकंड वो काम ना करें। मैं आपको वो प्रमाण दिखाने जा रहा हूं। पहले उस प्रमाण को देखने से पहले आप उसको मैं थोड़ा सरलता से समझा दूं, आप समझ लें। ये इस सेशन की 2 सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड्स हैं, इसलिए आप कुछ भी काम अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, फोन कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, और ये 2 स्लाइड्स आप जरा प्लीज देख लीजिए, शांतिपूर्वक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रही है स्लाइड। ये देखिए साहब, ये जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस अप्रैल 2015 के आर्टिकल से मैंने उठाया है। अब ये क्या बता रही है कि ये जो मैं चित्र जिसको आप दिखा रहा हूं, ये उस बच्चे के ब्रेन का नर्व सेल है जिस बच्चे के ब्रेन को पर्याप्त डीएचए मिला, मां की डाइट में था इसलिए, और ये उस बच्चे के नर्व सेल का चित्र है जिसकी मां के आहार में या मां के रक्त में या बच्चे के आहार में डीएचए पर्याप्त मात्रा में नहीं था। क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? अगर हम एक पेड़ का उदाहरण ले लें तो इस पेड़ की कितनी शाखाएं हैं, उतने ही इसमें फूल खिलेंगे, और ये पेड़ की शाखाएं कम हैं तो उतने ही इसके फूल कम खिलेंगे। अब ये वाले बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ाएंगे तो भी पप्पू बड़ी मुश्किल से पास होगा, और पास होने पे आप चॉकलेट्स बांटते रहेंगे, और ये बच्चे का ब्रेन कितना कुशाग्र बुद्धि होगा ये आप समझ लीजिए। और ये लिखा है इसका टेक्स्ट, गर्भस्थ शिशु के ब्रेन में डीएचए की कमी होने से नर्व कोशिकाओं की महीन शाखाएं, ये महीन शाखाएं हैं साहब, ये सामान्य से कम बनेंगी तो ये दूसरी शाखाओं से जोड़ भी कम बनेंगे, तो आपस में बात करने की गति भी कम हो जाएगी, तो साइनेप्स के बनने में भी कमी आती है। दिल थामिए, अब हम आपको विजुअल एविडेंस दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए साहब, अब ये जो स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूं, ये हाथ से बना हुआ चित्र नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिया हुआ चित्र है वास्तविक नर्व कोशिकाओं का। ये ऊपर जो नर्व कोशिकाएं हैं ये ऐसे ऐसे ब्रेन में बनी जिसको डीएचए मिला, और ये शुरुआत है, ये डीएचए मिलने के बाद 24 घंटे बाद है स्थिति, और ये डीएचए पर्याप्त मिलने के बाद 48 घंटे की नर्व कोशिका की स्थिति है।
ये जो शाखाएं आपको दिख रही हैं, यही वो महीन शाखाएं हैं जो मैं पिछले चित्र में आपको दिखा रहा था। कितना देखिए, 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर डीएचए ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। हमने पीछे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें 18 दिन की बात थी। ये आर्टिकल ने तो साहब ब्रेन का सेल बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप में देख लिया। अब ये जो सेल है, ये डीएचए की उपस्थिति में 48 घंटे में इसमें इतने अत्यधिक इसमें महीन शाखाएं बन गई। और दूसरी ओर ये जो नीचे जो बेचारा शिशु जन्म ले रहा था, इसकी मां को पर्याप्त डीएचए नहीं मिला। ये इसने जब दूध पिया तो मां के दूध से भी इसको डीएचए नहीं मिला। तो आप देखिए कि इसकी नर कोशिकाओं की उतनी शाखाएं नहीं बन पाई जितनी शाखाएं इधर बन गई। आप क्या चाहते हैं आपके घर में, या आपके मित्र के घर में, या जिनको आप चाहते हैं उनके घर में, या आपके पोते पोती के मस्तिष्क में जो नर कोशिकाएं हैं वो ऐसी हरी भरी बने या ऐसी ठूठ बने, आप क्या चाहते हैं? ये आर्टिकल का फोटोग्राफ है, ये विजुअल एविडेंस है, ये आंखों देखा आपके सामने स्पष्ट किया गया। ये कैसे लिया जाता है? ये नर कोशिकाओं को अलग से निकाल के उनके ऊपर डीएचए का प्रभाव स्टडी किया जाता है। ये वास्तविक नर कोशिकाओं पे डीएचए का प्रभाव देखा गया है, एनिमल स्टडी है। इंसान के दिमाग से तो हम ये नर कोशिका निकालेंगे तो दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा, पर वैसा ही एम्ब्रियो आप देखिए उसके अंदर 48 घंटे के अंदर नर कोशिका, जो ब्रेन में नर कोशिका है, उसमें डीएचए का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। और यहाँ 48 घंटे बाद वैसा का वैसा ही नर कोशिका है, उसकी ज्यादा शाखाएं नहीं है। अब इस बच्चे का दिमाग कैसा बनेगा, इस बच्चे का दिमाग कैसा बनेगा, ये आपको मेरे ख्याल से अब कोई स्लाइड दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, मैं फिर भी दिखाता हूं। ये देखिए क्या होगा इसका असर। 10 वर्ष तक की बच्चे की आयु होने तक बच्चा क्या वर्बल लर्निंग, यानी कि मुंह जवानी जो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8 नहीं सीख पाते आज के बच्चे, भाषा का ज्ञान आप उनको भाषा सिखाइए वो शब्द याद नहीं कर पाते, हिंदी सिखाइए नहीं सीखते, इंग्लिश सिखाइए नहीं सीखते, मराठी देर से आती है, आई उठे बोले तो नहीं सुनते हैं, है ना, अम्मी कहाँ है, खाला कहाँ है, उनको जल्दी समझ नहीं आता। भाषा का ज्ञान, पढ़ने लिखने, स्पेलिंग सीखने, तर्क करने, जानकारी के मन ही मन विश्लेषण यानी मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब क्षमताओं पर डीएचए के सेवन और शरीर में उनकी उपलब्धता का प्रभाव पड़ता है। ये स्लाइड्स की अब आवश्यकता नहीं है। 8-10 वर्ष की आयु के लड़कों के रक्त में अगर डीएचए कम मिला तो वो मुश्किल सवाल नहीं हल कर पाए, और चूंकि उनको जल्दी भी डीएचए नहीं मिला था तो ब्रेन का फोर ब्रेन अच्छा नहीं बना, तो फोर ब्रेन जल्द एक्टिवेट भी नहीं हुआ और जल्द प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। अब यहां फिर से मैं आपको एक विजुअल प्रमाण दे रहा हूं। ये लेफ्ट साइड में देखिए, ऐसा बच्चा, ये थोड़े से बच्चे वो लिए गए जिनकी मानसिक विकास अच्छा नहीं हुआ था, सामान्य से थोड़ा कम था, इनको जब डीएचए दिया गया तो वही बच्चा डीएचए मिलने से पहले और वही बच्चा केवल 1 महीना डीएचए मिलने के बाद उसकी हैंडराइटिंग के ऊपर आप प्रभाव देख लीजिए। क्या मैं इससे ज्यादा प्रमाण आपको दिखा सकता हूं? शायद नहीं। ये पेडियाट्रिक्स का 2005 का जर्नल का प्रमाण है, जिन बच्चों में थोड़ी मानसिक विकास कम था उनमें दिया गया डीएचए। ये वो बच्चा है जो वही बच्चे की 2 समय की हैंडराइटिंग, 1 महीने में डीएचए का प्रभाव आप देखिए, और सिर्फ 8 हफ्ते बच्चे को, देखिए साइंटिस्ट तो कितनी मात्रा में दे देते हैं, आप तो 500 mg देने में डरते रहते हैं, ये बच्चे को 400 mg उन्होंने डीएचए खिलाया तो ब्रेन का फोर ब्रेन उस बच्चे का जल्दी एक्टिवेट होना शुरू हो गया। ये देखिए ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन का आर्टिकल है, देखिए विश्व प्रसिद्ध जर्नल है। और उन बच्चों को ना सिर्फ मानसिक विकास, जिनको मां के दूध से डीएचए मिला या सप्लीमेंटेशन से मिला, उनका मानसिक विकास और आंखों की साफ साफ देखने की क्षमता, यानी वो बच्चे की आंखें भी बेटर डेवलप हुई। और चूंकि जन्म के बाद भी बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट चलता रहता है, इसलिए बच्चे को पैदा होने के बाद भी जब तक मां का दूध मिलता है तब तक न्यूट्रीचार्ज 200 mg मां को देंगे, 400 mg तो उसको बच्चे को मिलेगा। बच्चा जब तक मां का दूध पी रहा है तब तक भी मां को देने से मिलेगा, और जब बच्चा दूध पीना छोड़ देते न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट उसके आहार में घुमा के डालने से उसको मिलेगा और ब्रेन एक्टिवेशन होगा। ये देखिए साहब,
एक के बाद एक रेफरेंस यही कहती है कि डीएचए मिलेगा, थोड़े समय में मिलेगा, तो बच्चे की ब्रेन और नर्व्स की गतिविधि में सुधार होगा। और ये देखिए, आप अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं मम्मा, और वो बच्चा आपकी तरफ घूमता है, इसको विजुअल मोटर इंटीग्रेशन कहते हैं। जिधर आवाज हो रही है उधर उसके ब्रेन ने उसको हिंट किया कि उधर देखना है, जिधर आवाज आ रही है उधर चल के जाना है, माँ ने जिधर बुलाया उधर जाना है, बाप ने जिधर बुलाया उधर जाना है, वालिद ने जिधर बुलाया उधर जाना है। ये विजुअल मोटर इंटीग्रेशन पे भी डीएचए की कमी या उपलब्धता का प्रभाव पड़ता है, और माँ के ऊपर भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है अगर डीएचए नहीं मिला तो। क्या दुष्प्रभाव है? नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता, माएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं जन्म देने के बाद, आपको लगता है अरे यार इतना क्यों चिड़चिड़ा रही है, हमने भी जन्म दिया है, दादी को लगता है, खाला को लगता है, भाई क्यों चिड़चिड़ा रही है, अरे भाई उसके शरीर से डीएचए निकाल लिया आपने तो उसका ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है, उसके न्यूरो ट्रांसमीटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए वो चिड़चिड़ी हो रही है, और उसको डिप्रेशन भी होता है। और ये प्रूवन है कि बच्चे को जन्म देने बाद अगर डीएचए की कमी माँ को भी हो गई तो 50% संभावना बढ़ जाती है। चलिए ये तो हो गई माँ और डीएचए की बात। आज के सेशन का एक अंतिम 5 मिनट में आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय पे लूंगा। फिर से डीएचए अपडेट क्यों लिखा? क्योंकि एक अलग संदर्भ में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, और वो संदर्भ है बड़े लोग डीएचए क्यों खाएं। क्योंकि देखिए ये 5 स्लाइड ही आपको दिखाऊंगा, पर ये भी बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अब ये मेरे जैसे लोग, या आप अगर 30-40 के हो गए हैं, या आप 60-70 के हो गए हैं, या आपके घर में कोई भी बड़ा हो रहा है, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 5 ही स्लाइड है। 5 स्लाइड आप देखिए, बहुत अच्छी जानकारी है। देखिए क्या कहने जा रहा हूं, ये बड़ी उम्र के लोगों के लिए क्यों जरूरी है डीएचए, या आप अगर युवा हैं, आप आईटी के, अगर मैं देखिए, मैंने आईटी के बच्चों को देखा है, मैं एक शिक्षक हूं उस हैसियत से देखा है, मेरे अपनी दोनों बेटियां आईटी मेंबर्स हैं, आईटी वर्कर्स हैं, तो मैंने उनको देखा है पूर्णता डूब के काम करना है, उनको पूरा ब्रेन वर्क है साहब, इधर से उधर आंखें भी नहीं हिलाते हैं, ब्रेन और आईज पे सबसे ज्यादा उनका स्ट्रेस है। और उसी ब्रेन के लिए डीएचए क्यों जरूरी है? एक तो जो ब्रेन में मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं उसके लिए जरूरी है, और डीएचए अगर नहीं रहा तो ब्रेन में ऑक्सीडेटिव क्षति होगी, और डीएचए अगर नहीं रहा तो ब्रेन में प्लास्टिसिटी, यानी किसी भी परिस्थिति के लिए ब्रेन में अपने आप को जो ढालने की क्षमता है वो घट जाएगी। तो अगर आप दिमाग वाला काम करते हैं, या अगर आप मेरी तरह 40 पार हैं, 30 पार हैं, और आपको बहुत मानसिक तनाव का काम करना पड़ता है, या आंखों का बहुत काम करना पड़ता है, तो सावधान, डीएचए आपके आहार में नहीं है तो आपके ब्रेन पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपकी आंखों पे भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको यहां याद दिला दूं, ये एक नर्व कोशिका, रियल नर्व कोशिका का एक इमेजिनरी डायग्राम है, ऐसे ही उसमें इतनी ब्रांचेस होती हैं, और ये सारी ब्रांचेस की जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये जो संरचना है, इसमें डीएचए जड़ा हुआ है। अगर डीएचए नहीं मिला, अब ये आर्टिकल दूसरा ही है, तो ये ब्रेन की संरचना और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जो बात आप पहले तुरंत याद आ जाती थी, अब आपको घर वाले चार चार बार याद दिलाते हैं, अरे वो जो थी ना हमारी मामा की, चाचा की, ताए की लड़की, वो जो खाला की बहन, और आपको याद ही नहीं आता। आपको याद दिलाया गया कि साहब फलाना चीज ले आना, और चार चार दिन आप भूल जाते हैं। आपकी पत्नी, जैसे मेरी धर्म पत्नी मेरे को फोन कर करके याद दिलाती है, आपकी पत्नी भी फोन करके याद दिलाती है क्या? तो आप भी अच्छे खाइए, मैंने खाना शुरू कर दिया। ये देखिए, उम्र के साथ अगर आप में भूल जाने की शिकायत रहती है, तो ये आर्टिकल साफ लिखता है, +1, और ये इंटरनेशनल जर्नल है, कि आपकी याददाश्त डीएचए लेने से सुधर सकती है। और भयंकर रोग अल्जाइमर, जूं जूं हमारी उम्र बढ़ रही है, ये भूलने की जो सामान्य सी समस्या है, अल्जाइमर रोग में तब्दील हो जाती है। यानी इसकी अंतिम स्थितियों में तो आदमी अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को भी नहीं पहचान पाता कि आप कौन है। उसके लक्षणों को भी डीएचए का सप्लीमेंटेशन कम करता है, और ये आज ही रेफरेंस हमको उपलब्ध हुआ 2019 में। अभी तो जर्नल गरम गरम है, छपा है, अभी तो गरम है अभी तक उसका आर्टिकल का, ये मैं रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ। क्लिनिकल, ये दूसरा है, जर्नल ऑफ न्यूरो इन्फ्लेमेशन। देखिए डीएचए नहीं रहेगा तो जर्नल ऑफ न्यूरो इन्फ्लेमेशन ने बोला है कि आपके सोचने समझने की क्षमता घट जाएगी, और लेंगे तो वो वापस आ जाएगी। एल्जाइमर्स रोग में एक ही स्लाइड से मैं आपको समझा दूं, होता क्या है कि आपके ब्रेन में असामान्यतः प्रोटीन्स का जमाव होता है, जिससे नर्व कोशिका, ये देखिए ये एल्जाइमर रोगी का ब्रेन है, ये असामान्यतः प्रोटीन जमा हो गया है। ये क्यों जमा हो गया है असामान्य प्रोटीन? और ये इस गंदगी से हमारी नर्व कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, और फिर मरने लगती हैं, और तभी हमारी याददाश्त खत्म होने लगती है।
क्योंकि हमारे ये चित्र से आप समझे, ये हमारी नर कोशिका है और ये उसके आसपास कई सहायक कोशिकाएं होती हैं जो नर्व कोशिकाओं के वातावरण को साफ रखें, उन्हें स्वस्थ रखती है। अब ये सहायक कोशिकाएं अगर गंदगी रहती है ब्रेन में, अगर इन्फ्लेमेशन रहती है, तो इनपे दुष्प्रभाव पड़ता है और ये अपना काम करना बंद कर देती है। जब ये काम करना बंद कर देती है तो ये स्थिति आपके ब्रेन में बनना शुरू होती है, ये गंदगी, ये एबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन शुरू हो जाता है। और ये सहायक कोशिकाएं DHA मिलने से इनपे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ब्रेन में सूजन घटती है। तो अगर आप शुरू से लेते रहेंगे तो अल्जाइमर्स की संभावना घट जाएगी। अगर लोगों को 40 और 50 में भूल जाता है तो आपको 60-70 में भूलने की शिकायत आएगी, आप देर तक दुष्प्रभाव नहीं आएगा। और अगर आपकी समस्या शुरू हो गई है तो उसको इग्नोर ना करें, जैसे मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैंने DHA लेना शुरू कर दिया है, तो आप भी लेना शुरू कर दें। ये देखिए, ये उसी डायग्राम को और ज्यादा, ये देखिए, ये जर्नल से ही मैंने ये सेंटेंस उठाया है कि DHA अल्जाइमर्स रोग में ब्रेन में ये जो खतरनाक एबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन होता है इसको कई तरीकों से थामता है। तो ये आज का अपडेट था। अब मैं आपको प्रोडक्ट पे लिए चलता हूं कि न्यूट्रीचार्ज ने क्या किया है। न्यूट्रीचार्ज ने वो काम किया है कि भारत में सर्वप्रथम शाकाहारी DHA आपको दिया है और कैप्सूल भी शाकाहारी है। और देखिए, ये आपके हर PUC पे उपलब्ध है, मैं खुद खरीद के लाता हूं तो दिखता है मुझे रखा हुआ, हर जगह उपलब्ध है। और केवल एक कैप्सूल भी खिलाएंगे तो अच्छा है, दो खिलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया, फुल डोज हो जाती है प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर आपकी एज बढ़ गई है तो केवल एक कैप्सूल भी अगर आप इसका खा लेंगे तो मेमोरी सुधरना शुरू हो जाएगी, अल्जाइमर्स का खतरा घट जाएगा, पार्किंसंस का खतरा घट जाएगा। गर्भवती महिला को रोज 400 mg चाहिए, ना दे पाए तो कम से कम 200 दीजिए। 400 mg DHA, या तो आप 400 mg का कैप्सूल लेके दे दें, या ऐसे एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम लेके दे दें, दो एक साथ भी लिए जा सकते हैं। जैसे सारे पोषक तत्व बच्चे तक पहुंचते हैं प्लेसेंटा के जरिए, ये DHA भी पहुंच जाएगा, आज से ही देना शुरू कीजिए। क्या फायदे हैं गर्भ में बच्चे का, में अब ये तो रिविजन है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा, आंखों का विकास बढ़िया होगा, बच्चा सामान्य अवधि पूरे होने पर ही पैदा होगा, प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना घट जाएगी और बच्चे का शारीरिक विकास, आंखों का विकास भी अच्छा होगा। जन्म के समय आपका जो बच्चा नन्ना मुन्ना पैदा होगा उसका वजन भी अच्छा होगा। बच्चों के साइकोमोटर स्किल्स, यानी कि वो जैसे ये टुकड़े जोड़ के मॉडल बनाना, इस तरह के स्किल्स, या उंगलियों पे गिनती करना, या आवाज की दिशा में दौड़ लगाना, ये सब बढ़ जाएंगे। याद दिला दूं कि बच्चे के ब्रेन का विकास 70% तक माँ के पेट में होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 15% पहले 2 साल होता है, ये जो पहला 70% है उसके लिए न्यूट्रीचार्ज DHA 200 या 400 आपको माँ को देना पड़ेगा। जन्म लेने के बाद भी आपको न्यूट्रीचार्ज DHA 200 देना पड़ेगा। 2 साल तक बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा, इसलिए जैसे ही वो ऊपर का दूध पीना शुरू करे आपको न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट देना पड़ेगा, यही हमने यहाँ लिखा है, ऊपरी हार में मिला के देना है, इसलिए हमने न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट लॉन्च किया है। 50 mg के कैप्सूल हैं, 6 महीने तक तो एक ही कैप्सूल बहुत है, उसके आहार में बच्चे के इस कैप्सूल को घुमा के निचोड़ के दे दीजिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा मात्रा बढ़ना नहीं पड़ेगी। और ये DHA अत्यंत स्वादिष्ट है, वेनिला और स्ट्रॉबेरी के स्वाद में है। 2 साल के बाद ब्रेन एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए DHA की जरूरत और बढ़ जाएगी, यानी ब्रेन अब तेजी से उसको सोचना है बच्चे को, वहां भी DHA चाहिए। अब उसको 2 साल के बाद रोजाना 2 कैप्सूल चाहिए, एक सुबह एक शाम। 6 साल से 12 साल तक तो और ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी आवश्यकता DHA की, तो आप दिन में 3 कैप्सूल्स तक दे सकते हैं। 12 साल के बाद तो आप DHA 200 पे उस बच्चे को डाल सकते हैं, यानी कि 150 mg के लिए। और बच्चे के संपूर्ण मानसिक विकास के लिए आप उसको न्यूट्रीचार्ज किट्स दें, इसमें भी DHA है, न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट दें, वो तो पूर्णता DHA है। 12 साल की उम्र के बाद रोजाना अगर आप अपने लाडले को 200 mg का कैप्सूल देंगी या अपनी लाडली को, तो उनका मस्तिष्क तेज होगा। आपके बच्चे तेज ब्रेन वाला काम करते हैं तो उनको DHA देंगे तो उनको उनका मानसिक तनाव कम होगा। जो माएँ चिंता में डूबी रहती हैं कि अरे इतना तनाव है मेरे बच्चे पे, मेंटल स्ट्रेस है, काम से उठते हैं तो एक बार तो सिर पकड़ लेते हैं, आंखें दबाते हैं, तो उनको DHA दीजिए। याद नहीं रहता, स्मरण शक्ति कम है, एकाग्रता कम है, DHA दीजिए। बढ़ती उम्र के लोगों को रोजाना 200 mg DHA दीजिए। मेरे जैसे लोग DHA लें, ब्रेन की संरचना और कार्यक्षमता बनी रहेगी, स्मरण शक्ति बनी रहेगी, समय याद दिलाने में, जगह याद दिलाने में, भावनाएं याद दिलाने में, ज्यादा जो चिड़चिड़े आपके अगर पुरुष या स्त्रियां हो रहे हैं, चुप करके DHA खिलाइए, उनका चिड़चिड़ापन भी घट जाएगा। अल्जाइमर डिजीज से बचाना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी भी बुजुर्ग को ये सिम्टम दिख रहे हैं तो आप 30-40 वर्ष की उम्र में ही सावधान हो जाइए,
आप उस उम्र में जाके डीएचए खाएंगे तो फायदा कम होगा, और 30-40 वर्ष की उम्र से ही बढ़िया खाएंगे 200 mg का डीएचए, महीने में 15 कैप्सूल भी खाएंगे तो अल्जाइमर से रक्षा होगी, भूल जाने यानी डिमेंशिया की समस्या को रोकने में मदद करेगा। और ये याद दिला दूं कि न्यूट्रीचार्ज डीएचए आपको ग्रेट वैल्यू देता है, बाकी किसी भी कंपनी से इसमें डीएचए ज्यादा है, प्रति कैप्सूल की कॉस्ट कम है। 200 mg डीएचए न्यूट्रीचार्ज डीएचए आपको मात्र 25 रुपए के MRP पे है। आप मेंबरशिप लेते हैं या डीएचए न्यूट्रीचार्ज के PUC से ले पाते हैं तो आपको और इसमें 20% कम कॉस्ट आती है। तो डीएचए दूसरी कंपनी का लेते हैं तो वही डीएचए पाने के लिए आपको अत्यधिक लेना पड़ता है, और थोड़ा धोखा भी दिया जाता है कि ज्यादा कैप्सूल इसलिए लेने पड़ते हैं कि 200 mg लिखा तो होता है किसी किसी कैप्सूल में, लेकिन वो 100% शुद्धता का नहीं होता है। तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अब मैं आपके सवालों को लेता हूं। गर्भवती महिला को डीएचए के साथ और क्या दें? गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार दें? अगर उसको डॉक्टर ने न्यूट्रीचार्ज डीएचए के अलावा कैल्शियम और आयरन लिखा है तो जरूर दें। गर्भ धारण करने की प्लानिंग है तो पहले से ही न्यूट्रीचार्ज वुमेन दें, उसको प्रोडाइट भी दें, डॉक्टर को बता दें न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट देने से भी उसको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। क्या न्यूट्रीचार्ज SNF प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं? ये सवाल यहाँ गलत है लेकिन जवाब दे देता हूँ, नहीं दे सकते हैं। क्या हर प्रेग्नेंट वुमेन को ये दे सकते हैं? अरे सकते नहीं है साहब, ये देना ही है। आप डीएचए अगर नहीं दे रहे हैं तो क्राइम कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ क्राइम कर रहे हैं। भारत को इन नौनिहालों का दिमाग ही आगे ले जा सकता है। मसल्स की ताकत से हमेशा ब्रेन की पावर ने जीत पाई है। तो ब्रेन चाहिए बच्चों में तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए दें। विटामिन एंड मिनरल्स कैसे मिलेंगे गर्भवती माँ को डीएचए देने से? जी नहीं, उसके लिए विटामिन मिनरल्स अलग से देने पड़ेंगे। जब तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है न्यूट्रीचार्ज वुमेन देने से विटामिन मिनरल मिलते रहेंगे। प्रेगनेंसी हो भी गई है तो डॉक्टर से पूछ के न्यूट्रीचार्ज वुमेन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं रहेगा, उसको अतिरिक्त मात्रा में भी शायद मिनरल विटामिन वो देंगी। एक्सपायरी डेट के बाद ले सकते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि काफी लंबी एक्सपायरी न्यूट्रीचार्ज देता है, ऐसा खतरा मोल ना लें। फिश की स्मेल आती है डीएचए में? देखिए, जो फिश ऑयल है उससे जितनी भयंकर स्मेल आती है उसके मुकाबले न्यूट्रीचार्ज डीएचए से स्मेल नहीं के बराबर आती। दूसरा, कैप्सूल्स जो हैं उसमें बहुत सुगंध डाली गई है। मैं डीएचए खुद लेता हूं, मुझे स्मेल नहीं आती। बहुत सारी महिलाएं न्यूट्रीचार्ज डीएचए प्रेगनेंसी में ले रही हैं। बहुत, अरे भाई प्रेगनेंसी में कई बार लोग फिश ऑयल तक खिला देते हैं जो कि नहीं, इतना मतलब इतना सेफ नहीं है जितना न्यूट्रीचार्ज एल्गल डीएचए। नहीं, ये वेजिटेरियन सोर्स से बना डीएचए है, समुद्री पौधे से बना डीएचए ज्यादा सेफ है। इसमें से सारे हानिकारक केमिकल्स हटा दिए गए हैं, अत्यंत सेफ है। डोज कितना लेना है एडल्ट्स के लिए प्रतिदिन? अगर आप गर्भवती हैं महिला हैं तो आपको 2 कैप्सूल 200 mg या 1 कैप्सूल 400 mg का लेना है, और किसी भी अन्य वयस्क के लिए 200 mg प्रतिदिन बहुत काफी है। बच्चों की डोज मैंने बता दी है। क्या डीएचए से ओमेगा 3 मिलेगा? जी, डीएचए ओमेगा 3 का राजा है। राजा को घर में बुला लिया, प्रजा अपने आप हो जाएगी, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए। जी हाँ, अगर आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए ले रहे हैं फिर वेज ओमेगा की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले रहे हैं तो आपको डीएचए मिलेगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा जितनी मात्रा में सीधा डीएचए लेने से मिलेगा। 10 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों में क्या फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अरे डीएचए पूरी उम्र लेने से फायदा होता है, बिल्कुल होगा। 7 साल के हाइपर एक्टिव बच्चे को दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। ये हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाएगा नहीं बल्कि बच्चे को शायद थोड़ा शांत करेगा। किस एज से किस एज तक देना चाहिए? ये प्रश्न पूछने वाले को मेरी तरफ से प्रणाम नमस्कार। ये जन्म लेने से पहले से लेकर जब तक जिंदा है तब तक डीएचए लेना चाहिए। डीएचए ट्विस्ट सुबह शाम दे सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, दिल खोल के दीजिए बच्चे की उम्र के अनुरूप। 2 साल से छोटा है तो केवल 1 कैप्सूल, 2 साल से बड़ा है तो सुबह शाम 1, और 12 वर्ष का हो गया है तो दिन में 3 बार। तो मेरे ख्याल से आपके सवालों के जवाब हो गए। और भी अन्य अगर कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे को भेज सकते हैं, हम बड़ी खुशी से आपका प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन कुछ भी कीजिए, अगर एक गर्भवती महिला को तोहफा देना है तो पहला तोहफा डीएचए है। अगर एक दूध पीते बच्चे को तोहफा देना है तो उसकी माँ के लिए डीएचए का कैप्सूल पहला तोहफा है। आप गरीब भी हैं, वो बच्चा फटे कपड़ों में रहने दीजिए, कपड़े वो खरीद लेगा अगर उसका दिमाग तेज होगा। उसके लिए नया खिलौना मत खरीदिए, उसके लिए पहले डीएचए खरीदिए। ब्रेन होगा तो दुनिया की सब चीजें उसकी मुट्ठी में होंगी, ब्रेन नहीं होगा तो आपकी धन दौलत भी उड़ा देगा। तो इसी के साथ मैं आज का न्यूट्रीचार्ज डीएचए का सेशन समाप्त करता हूं। 8 मिनट अतिरिक्त लेने के कारण क्षमा चाहता हूं।
आपने धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। और अंतिम बात ये कहूंगा, अगर आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए बेचना सीख गए तो दो बातें होंगी। एक, आप खुद बहुत बुद्धिमान रहेंगे क्योंकि आप खुद भी खाएंगे, सीखेंगे कैसे, आपकी हर पीढ़ी बुद्धिमान होगी। और दूसरी, आपका बिजनेस को कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पैदा होते हैं, भारत में। तो सबसे अधिक कौन सा प्रोडक्ट बिक सकता है? न्यूट्रीचार्ज डीएचए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel.